पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से जय श्री राम के नारे के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। कोटा शहर में भाजपा युवा मोर्चा ने एक अभियान चलाया है और इसके तहत मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दादाबाड़ी स्थित डॉक कार्यालय में पहुंचे और करीब 5,000 पोस्ट कार्ड पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे। इन सभी पोस्ट कार्डो में जय श्री राम के नारे लिखे हुए थे। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि नारे के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए ममता दीदी को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो भाजपा राजस्थान में बड़ा आंदोलन करेगी। अभी पिछले दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है और जय श्री राम के नारे के साथ एक सौतेला व्यवहार करने का प्रयास किया, उन्होंने इस नारे पर आपत्ति लगाने का प्रयास किया, इस देश में जय श्री राम या भगवान श्री राम का नाम लेने वालों को जेल में डालने का प्रयास किया और जेल में डाला भी सही। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ममता दीदी ने इस देश की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। पश्चिम जनता पार्टी शहर जिला कोटा के युवा मोर्चा द्वारा एक आंदोलन कार्यक्रम के रूप में पहला चरण चलाया है, जिसके तहत आज पोस्ट कार्ड पर जय श्री राम लिख करके ममता दीदी को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और जय श्री राम लिख करके भेजा है। आज हमने कोटा युवा मोर्चा के माध्यम से 5,000 पोस्ट कार्ड ममता बनर्जी के कार्यालय भेजे हैं और उनको ये सांकेतिक रूप से बताया गया है कि अगर वो नहीं सुधरी और अपने तानाशाही रवैया नहीं छोड़ा तो इस देश का तमाम युवा, इस देश की तमाम आवाम जनता मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के खिलाफ खड़े होने वाली है और उन्हें भगवान राम तो दंड देंगे ही सही, इस देश की जनता भी उन्हें आने वाले समय में दंड देने वाली है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।